अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटी भरवा भिंडी की रेसिपी। तो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है भरवा भिंडी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस चटपटी से भरवा भिंडी की रेसिपी को देख लेते हैं। भरवा भिंडी को बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एक कॉटन कपड़े से हमने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब हम भिंडी को कट कर लेते हैं। तो इसके दोनों साइड के किनारों को हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम बीच में से एक कट लगा लेंगे और इसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि बीच में कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इसी तरह से हम सारे भिंडी को कट लगा लेंगे। तो हमने सारे भिंडी को बीच से कट लगा लिया है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे और जब तक हम इसका एक मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो भरवा भिंडी के मसाले के लिए हमने यहाँ पर पैन में एक कप मूंगफली को ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है और मूंगफली हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे और मूंगफली को ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तो भरवा भिंडी के मसाले में हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसन को 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बेसन को लिया है। तो बेसन का कलर हल्का सा चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसका हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो एक जार में हम मूंगफली को ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसका पाउडर बना लेंगे। तो हमने इसका पाउडर बना लिया है मूंगफली का। तो अब इसी जार में हम 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन को ऐड कर लेंगे और इसी के साथ साथ मसालों को भी ऐड कर लेंगे। जैसे कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर को ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर को ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून सौंफ को ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसी के साथ साथ 1/2 टीस्पून हल्दी को भी ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून चाट मसाला को ऐड कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक को ऐड करके 1.5 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च को ऐड कर लेंगे। सारे मसालों को मिक्सी जार में ऐड करके 1 राउंड हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी ऐड कर सकते थे। तो हम इसको एक बार मिक्सी में चला लेंगे। तरह से देखिए हमने इसको मिक्सी में चला लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो भरवा मसाला बनकर तैयार है। अब ये थोड़ा ड्राई है। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल को ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मॉइस्ट मसाला बनकर तैयार होगा तो हमें भरने में आसानी होगी। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भिंडी में हम मसाले को भर लेंगे। तो इस तरह से भर भर कर हम इसमें मसाले को अच्छे से भर लेंगे भिंडी में। तो देखिए इस तरह से भिंडी में मसाले हमने भर लिया है। तो इसी तरह से सारी भिंडियों में मसाला हम भर लेंगे। तो देखिए हमने सारी भिंडियों में मसाला भर कर रख लिया है। तो अब इसकी हम सब्ज़ी बना लेंगे। तो मसाला हमारा थोड़ा बच गया है। आप चाहे तो इसे सब्ज़ी के ऊपर ऐड कर सकते हैं या तो फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में ऐड करके आप इस मसाले को स्टोर कर सकते हैं और किसी भी भरवा सब्ज़ी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और भी सारी भिंडी को इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पैन को कवर करके भिंडी को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। भिंडी को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। हमने इसको बीच में चेक कर लिया था। तो भिंडी हमारी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है यह भरवा भिंडी। तो आप इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर ट्राई करें। तो सिंपल दाल चावल के साथ भी ये भरवा भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरह के और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।